हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। तो आइए आज बात करते हैं केवीएस और एनवीएस के बीच में जो सिमिलैरिटीज है उनके बारे में, जो डिफरेंसेस हैं, जो मेन बेसिक डिफरेंसेस हैं उनके बारे में जानते हैं कि अगर जो कैंडिडेट्स अपियर कर रहे हैं, फिर चाहे वो टीचिंग या नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए हो और वो अपना फ्यूचर देख रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में, तो उनके लिए क्या ज़्यादा सूटेबल है, जो कैंडिडेट्स प्रेफरेंस किसे देना चाहिए लोगों को, या जो कैंडिडेट्स ये सोच रहे हैं कि हमें एग्जाम देना है, हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है, जो नोटिफिकेशंस का वेट कर रहे हैं एनवीएस के, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ये क्वेश्चन पूछा कि मैम क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि अगर एनवीएस का नोटिफिकेशन ना निकल रहा है तो केवीएस के ही एग्जाम में बैठ जाए, या अगर ऐसा आगे चल के हो कि मैम दोनों में ही हमारा हो जा रहा है तो हमें किसे प्रेफरेंस देना चाहिए। आइए आज हम सिमिलैरिटीज, जो मेन सिमिलैरिटीज है वो, और जो मेन डिफरेंसेस है केवीएस और एनवीएस में, उन दोनों की चर्चा करते हैं अपने इस वीडियो में ज्ञानालय के माध्यम से। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, आइए बात करते हैं सबसे पहले तो सिमिलैरिटीज के बारे में। देखिए, अगर मैं सिमिलैरिटीज की आपको बात बताऊं तो देखिए, हम सब जानते हैं इस चीज को कि फिर चाहे वो केवीएस हो या एनवीएस हो, दोनों ही जो की है सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जो भी आपको सुख सुविधाएं मिल रही हैं, जो भी आपको फैसिलिटीज मिलेगी, अलाउंसेस मिलेंगे, जैसे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए वो लागू किया जाएगा, वो सारी ही जो की है आपको एनवीएस और केवीएस दोनों में ही मिलेंगे, सबसे पहली चीज तो। साथ ही में अगर मैं बात करूं सैलरी की, तो देखिए सैलरी भी जो की है काफी अच्छी, जो लमसम सैलरी बनती है आपकी, वो जो की है डीए हो या जो भी आपकी बेसिक पे है, सब कुछ जोड़ते हुए जो भी अगर आपका एनपीएस कट रहा है या जो भी कैलकुलेशन अगर हम करें किसी भी पोस्ट के लिए, तो जो लमसम सैलरी बनती है वो भी काफी अच्छी बनती है। फिर चाहे वो एनवीएस की हो या केवीएस की हो, सैलरी में अगर आप अंतर पूछोगे तो देखिए सैलरी में जो सेम पोस्ट है अगर आप उसे कंपेयर करोगे केवीएस के और एनवीएस के, तो सैलरी में ज्यादा अंतर भी नहीं आपको दिखेगा। तो ये भी एक बेनिफिट है, ये भी एक सिमिलैरिटी है कि सैलरी भी ऑलमोस्ट सेम है, दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरियां हैं। ठीक है, अब अगर हम तीसरी सिमिलैरिटी की बात करें भाई, तो देखिए यहां पे जो एग्जाम की प्रक्रिया है, जो आप कह सकते हो जो एग्जाम का प्रोसीजर है या फिर जो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है एग्जाम के पैटर्न पे, वो भी जो कि काफी सिमिलर है, क्योंकि दोनों में ही देखिए रिटर्न एग्जाम है, दोनों में ही इंटरव्यू है, डेमो कंडक्ट कराया जाता है। तो देखिए ये भी जो की है एक सिमिलैरिटी के तौर पे आप देख सकते हैं कि भाई जो एग्जाम का जो पैटर्न है, जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, वो भी जो कि काफी सिमिलर है। फिर आप कहोगे कि मैम जब दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरियां है ही, दोनों में एग्जाम का जो पैटर्न है, जो स्ट्रक्चरल एग्जाम का चैनलाइजेशन है वो भी सेम है, जो सैलरी है वो भी सेम है, जो हमें फैसिलिटीज मिल रही है क्योंकि हम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहलाएंगे, फिर चाहे हम केवीएस में रहे या एनवीएस में रहे वो भी सेम है, तो मैम फिर डिफरेंसेस क्या है, फिर हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि हमें केवीएस में जाना चाहिए या हमें एनवीएस में जाना चाहिए। देखिए जो सबसे बेसिक दो डिफरेंस है केवीएस और एनवीएस का, आइए मैं उस पर चर्चा करती हूं। तो देखिए जो सबसे बेसिक डिफरेंस है, सबसे पहला तो वो ये है कि जो एनवीएस है, नवोदय है, नवोदय में आपको रूरल पोस्टिंग्स भी देखने को मिलती है, यानी आपको सिर्फ अर्बन यानी सिर्फ सिटीज में आपकी पोस्टिंग होगी। अगर आप ऐसा कंसिडर कर रहे हो एनवीएस के लिए तो ये गलत है, क्योंकि एनवीएस में जो की है आपको रूरल पोस्टिंग्स भी देखने को मिलेगी, एनवीएस में जो की है आपको, आप कह सकते हो मतलब अधिकतर अगर आप कंपेयर करोगे तो अधिकतर पोस्टिंग्स जो होती है वो रूरल साइड में ही देखने को आपको मिलती है, आउटस्कर्ट्स जिसे हम कहते हैं ना, तो आपको आउटस्कर्ट्स में ही पोस्टिंग देखने को मिलती है, सिटीज में कम देखने को मिलती है ज्यादातर, एनवीएस की मैं बात करूं तो। लेकिन वही अगर आप केवीएस को देखो तो केवीएस में जो आपकी पोस्टिंग होती है केंद्रीय विद्यालय में, वो अधिकतर जो की है सिटीज में होती है, अधिकतर जो की है अर्बन एरियाज में होती है, और बहुत कम ही ऐसा होगा बाय चांस आप देखोगे एक आधा किसी का आप सुनोगे आउट ऑफ 10 अगर आप काउंटिंग करो तो, कि शायद ही मतलब एक
एक लोग या शायद ही दो लोगों की ऐसे आप सुनोगे कि कहीं ऐसी आउटस्कर्ट पे पोस्टिंग हुई है, वो भी नहीं के बराबरी होती है केवीएस में जो की है। ये लोग अर्बन पोस्टिंग ही देते हैं, वेर इज एनवीएस में जो की है आपको जनरली जो आप कह सकते हो आउटस्कर्ट्स में पोस्टिंग होना, जो आप कह सकते हो रूरल एरियाज में पोस्टिंग होना, वही कंसिडर किया जाता है, वही दिया जाता है। साथ ही में अगर हम बात करें दूसरे मेजर डिफरेंस के बारे में कि भाई दोनों में और क्या डिफरेंस है मैम जिसके बेसिस पे हम कैरेक्टराइजेशन या क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। देखिए अगर आप देखिए दोनों में ही क्वार्टर्स भी अलॉट होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि आप दोनों किसी में भी चले जाओ केवीएस या एनवीएस में, दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट है तो दोनों में ही फैसिलिटीज दी जा रही है, दोनों में क्वार्टर्स भी अलॉट किए जाते हैं। लेकिन जो एनवीएस की लाइफ है वो प्योर रेसिडेंशियल है, एज इन आप जब एनवीएस में आपकी भर्ती हो गई, आपने जो की है वहां पे आपका सिलेक्शन हो गया, चयन प्रक्रिया पूरी हो गई, आपको जो क्वार्टर अलॉटमेंट किया जाता है वो विद इन द कैंपस होता है और 24/7 आपको कैंपस के अंदर ही रहना होता है। क्लासेस खत्म हो गए, क्लासेस खत्म होने के बावजूद जब भी किसी टीचर को आप कह सकते हो जब भी किसी स्टूडेंट को जरूरत है किसी टीचर की या फिर किसी टीचर की रिक्वायरमेंट है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वहां पे जो कि उस टीचर को प्रेजेंट रहना पड़ेगा, या फिर जो भी नॉन टीचिंग स्टाफ है अगर उनकी रिक्वायरमेंट है तो वहां पे उनको प्रेजेंट रहना पड़ेगा। मतलब 24/7 जैसे रेसिडेंशियल स्कूल्स में स्टूडेंट्स की लाइफ हो जाती है, एनवीएस में जो कि है बिल्कुल वैसी ही लाइफ हो जाती है आपकी, क्योंकि आप विद इन द कैंपस ही रहते हो। लेकिन अगर आप बात करोगे केवीएस की यानी केंद्रीय विद्यालय की, तो देखिए यहां पे जब आपके स्कूल के आवर्स खत्म हो जाते हैं, वर्किंग आवर्स खत्म हो जाते हैं, तो जो भी आपको क्वार्टर्स अलॉट किए हुए हैं आप जो कि उन क्वार्टर्स में जा सकते हो, और आपको जो कि फिर विद इन द कैंपस होना या फिर वहां पे मतलब होता है ना वो कि आप 24/7 खुद को अवेलेबल किए हुए हो, वो वाली चीज वहां केवीएस में आपको देखने को नहीं मिलती है जो कि एनवीएस में देखने को मिलती है। साथ ही साथ एक और चीज है, देखिए अगर आप केवीएस में देखोगे तो केवीएस में क्या होता है कि जो क्वार्टर्स अलॉट किए जाते हैं बहुत बार जो कि है जो आप कह सकते हो स्टाफ हुए केवीएस के वो जो कि वहां पे क्वार्टर्स नहीं लेते हैं, और वो जो कि कहीं बाहर जाके वो लोग अपने क्वार्टर्स लेते हैं या जो भी अपना रेसिडेंशियल पर्पज के लिए फ्लैट है या जो भी है वो लेते हैं, और वो जो कि है फिर उनकी सैलरी में वो एडजस्टमेंट किया जाता है ना, एचआरए के फॉर्म में आप कह लो या जो भी है एडजस्टमेंट किया जाता है। लेकिन एनबीएस में आपको विद इन द कैंपस ही रहना होता है जो क्वार्टर्स अलॉट किए जाते हैं। अच्छा क्वार्टर्स भी देखिए फिर जैसा मैंने आपको बताया फैसिलिटीज ऑलमोस्ट सेम है, तो टाइप ऑफ क्वार्टर्स होते हैं, टाइप 2 क्वार्टर्स है, टाइप 3 क्वार्टर्स है, ऑन द बेसिस ऑफ रूम्स कि कितने रूम्स अलॉट हुए हैं ना, तो वो पोस्ट के अकॉर्डिंग होता है देखिए, और ग्रुप के भी अकॉर्डिंग होता है कि आप ग्रुप सी में फॉल कर रहे हो, ग्रुप डी में फॉल कर रहे हो, आपकी पोस्ट क्या है इसके अकॉर्डिंग अलॉटमेंट होता है। तो अलॉटमेंट दोनों में ही होता है, लेकिन यहां पे कैंपस के अंदर होता है एनवीएस में, और आपको मतलब 24/7 प्रेजेंट रहना होगा, और यहां पे जो की है वर्किंग आवर्स के बाद स्कूल आवर्स के बाद आप जो की अपने क्वार्टर्स में जा सकते हो, फिर आपको वापस स्कूल में आने की आवश्यकता नहीं है केवीएस की मैं बात कर रही हूं। और बहुत बार जो की है लोग एचआरए लेते हैं और खुद से जो की है अपने रेसिडेंस का वो अरेंजमेंट भी देखते हैं। तो देखिए ये मेजर सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस थे जिसके बेसिस पे आप जज कर सकते हो कि आपको केवीएस में जाना है या आपको एनवीएस में जाना है, पर मेरे हिसाब से आपको तैयारी दोनों की करनी चाहिए ताकि जिसमें भी आपका हो जाए, देखिए अगर दोनों में हो जाए तो लक बाय चांस की और भी अच्छी बात है, वेल एंड गुड है ना, और अगर किसी एक में भी हो तो देखिए आप ऑप्ट कर पाओगे, अगर दोनों में हो जाए तभी भी आप ऑप्ट कर पाओगे, अगर किसी एक में हो और आप दूसरे का वेट करो तो भी आप ऑप्ट कर पाओगे कि हाँ मुझे इस स्कूल में या इस मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय मुझे इस स्कूल के माध्यम से बनना है या नहीं बनना है। तो आई होप कि जो बेसिक सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस है वो जो की है मैं सक्षम रही हूं आपको बताने में इस वीडियो के माध्यम से। प्लीज प्लीज स्टे ट्यून टू ज्ञानालय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, प्लीज प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू।